ओम शांति। 17 जुलाई 2020 आज की बाबा की साकार मुरली। बाबा बोले ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, तो इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, तो ये ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं है, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा है और मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पाठ है। तो जो अंत में याद रहना है उसको अभी से बिल्कुल स्टेबल कर लेते हैं कि भाई हम आत्मा है और मूल वतन के रहवासी हैं, बात खत्म। ये भूलना नहीं चाहिए, ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही तो बातें हैं ना, और बहुत सिंपल भी है। इसमें चित्रों की कोई दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि तो सब भक्ति मार्ग की चीजें हुई ना। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की कोई दरकार नहीं होती। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है तो हम कहते हैं शिव है, तो ये भी बुद्धि से बस समझने की बातें हैं। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्र लगाया, तो अब हमको पवित्र बनना है, और फिर पवित्र बनकर नए चक्र में फिर से आएंगे। तो ये है सार जो बुद्धि में बस रखना है। बाबा कह रहे हैं सार को बस बुद्धि में रखो, बाकी बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाप की बुद्धि में है ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र देखो कैसे फिरता है, तो बस ऐसे ही तुम्हारी भी बुद्धि में रहे कि हम पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, तो चित्रों की कोई दरकार नहीं है। सिर्फ मनुष्यों में तो बाप क्या कह देते हैं कि ये मनुष्यों को समझाने के लिए बनाया है। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाबा क्या कहता है, मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, तो ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाने के लिए बना है, बाकी इनकी कोई दरकार नहीं है। बुद्धि में है ना कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं में क्या है, चरित्र है, कैरेक्टर है, पवित्रता है, तो ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा ना, तो अभी हम जाते वापस चक्र लगाएंगे और सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं और फिर बाप चढ़ती कला में हमें ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार बस समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं कि हाँ ये 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। कृष्ण का दिखाते हैं 2000 वर्ष, तो इसमें कितने मनुष्य होते हैं ना, तो 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होंगे ना बच्चे, तो ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो ना। सत्युग में पवित्र होने के कारण बहुत थोड़े ही मनुष्य होते हैं, और अभी तो कितने ढेर के ढेर होते हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती है ना। कृष्ण की भेंट, मतलब कि अगर इस साइकिल की आयु लाखों वर्ष हो जाती ड्रामा प्लान अनुसार, तो बाबा कह रहे हैं पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ जाता फिर तो। 5000 वर्ष में देखिए क्या हालत हो गई है ना। बाबा कहते हैं कृष्ण की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। देखो हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, कृष्ण तो बहुत बन गए हैं। अब जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बगैर चित्रों के भी तो समझा सकते हैं ना। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। तो अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, और फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, तो ये बाप ही तुम्हें समझाते हैं। वही क्या है, ज्ञान का सागर है। तो तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है कि अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं, तो अंदर खुशी होगी ना। सत्युग में वहां दुख की कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ देखो पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये मशीन चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद होंगे ना। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहता है, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते हैं। परंतु ये तो क्या है, कलयुग है, तो बीमारियां आदि सब कुछ है इनडायरेक्टली, कि कलयुग में लोगों के पास बेशक सुविधाएं बहुत हों, सुख बहुत हो, लेकिन है तो कलयुग, यानी बीमारियां तो है ही। कोरोना ने ऐसा तो नहीं कि गरीब के घर पे दस्तक दिया और अमीरों को छोड़ दिया है ना। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए,
स्वर्ग नर्क यहाँ ही तो होता है ना, ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तो टाइम पास करने के लिए खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की कोई दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़ा वो खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तो तुम भी पढ़कर फिर जाए राजा ही करेंगे, वहां नॉलेज की कोई दरकार नहीं रहती। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है तो ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तो बाप बैठकर समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण आखिर है कौन, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य बहुत मूंझ जाते हैं, बगैर समझ के पूजा भी जैसे कि फालतू होती है, समझते कुछ भी नहीं है ना। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहां है, बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं समझते, ये नहीं कहा कि नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण को नहीं समझते हैं। तो समझ के बिना पूजा भी अधूरी है, ये लाइन कहा ना बाबा ने। बाबा बोले ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़कर फिर चले जाएंगे, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। तो अब बाप क्या कहते हैं, अपने घर चलो, वहां दुख का देखो कोई नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे और फिर राजधानी में आए, तो अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने के लिए। तो इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है ना, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं खाते, भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्यों की भी बलि चढ़ा देते हैं। बाप कहते हैं ये भी खैर ड्रामा में बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। तो अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, तो ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया, हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, तो बुद्धि में रखना होता है ना। तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी तो समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है और न ज्ञान है, ये सिर्फ एक रसम है। बहुत साफ शब्द में बाबा ने बहुत गहरी और एकदम गुह्य बात को एकदम सरल शब्द में कह दिया सच में, कि भाई सूक्ष्म वतन में ज्ञान योग का कुछ वो नहीं है, वो एक रसम है, एक कस्टम है, चल रही है, उससे ज्ञान और योग का कोई तैलुक नहीं है। कि आपके अंदर कितना ज्ञान है कितना योग है वो चीज डिसाइड करेगी कि सूक्ष्म वतन का चक्र लगाया कि नहीं। समझा जाता है केवल कि कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहा नहीं माना। तो ये सब बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़ो, गफलत मत करना, बच्चे सदा ये अटेंशन रखना कि हम अपना टाइम सफल करें, वेस्ट नहीं करना, तो माया गफलत नहीं करा सकती। सार में क्या है, कोई गफलत नहीं करना, गड़बड़ मत मचाना, अपने काम से काम मतलब रखो, टाइम को बर्बाद मत करो, है ना। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करना, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करना है, महादानी बनना है तुम्हें, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। विकर्म विनाश को बहुत सिंपल तरीके से बुद्धि में लेना है, और हम सब भी प्लीज इसको बहुत सिंपल तरीके से बुद्धि में लें। विकर्म विनाश मतलब जो पुरानी आदतें हैं वो बिल्कुल अंतर आत्मा से बदल जाए, खत्म हो जाए, जो गलतियां हमसे हो गई उनका कोई सिर पर पापों का बोझा लेकर के नहीं चलिए, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। बाबा मिल गया है, लाइफ जीने का सही तरीका मिल गया है, रूटीन सही मिल गया है, उसको एंजॉय करते रहिए। एंजॉयमेंट में रहेंगे तो जिस भी व्यक्ति के साथ या परिस्थिति में जो भी ऊपर नीचे हुआ वो रिपीट नहीं होगा, वो स्मृति में नहीं आएगी, वो व्यक्ति आएगा सामने, हो सकता है वो बात भी याद आ जाए लेकिन इम्पैक्ट मन बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। बस खुश रहने का नाम ज्ञान है। बाबा क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उसको नट शेल में सारा चक्र तुम बस बुद्धि में रखो तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। क्या कि अभी हम इस गंदी दुनिया से तो छूटते हैं ना, बिल्कुल छूट नहीं गए, इस गंदगी से बचने का नाम ही ज्ञान योग है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यही है, अब जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, वो बाबा का देने का काम है ना,
हमें क्या करना है, गफलत नहीं करना है, बिजी रहना है अच्छे काम में, बुद्धि को समर्थ कार्यों में लगाना है, दूसरों को भी मदद कीजिए, उनको डिप्रेशन से या किसी प्रकार की चिंता है या बाबा का परिचय नहीं है, भक्ति में भटके हुए हैं, तो अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए समझाने के लिए, इसी का नाम सेवा है। बाकी अपना चेहरा, चलन, हाव भाव, व्यवहार, अपना डेली रूटीन, लाइफ को जीने के तरीके से चलते फिरते उठते बैठते सेवा करना है। बोलने से, मन से, वचन से, बहुत ज़्यादा कोई टफ चैलेंज नहीं है बाबा का नॉलेज। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक तो यही है। अब जिनको बहुत धन है तो क्या समझते हैं कि हम तो भाई स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। तो अभी तुम बच्चे बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, वो तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप क्या कहते हैं, वो है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ ना, बाप की याद से ही तो निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में तो राजा ही है, उनको भी याद करो, राजा ही थी अभी नहीं है, भारत की तो बात है, बाकी तो है बाई प्लॉट्स, पिछाड़ी में तो सब चले जाएंगे ना, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। तो अब इस समझाने में चित्रों की कोई दरकार नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन आदि आदि दिखाते रहते हैं, समझाया जाता है कि बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों के लिए चित्र बना दिए हैं, तो हमको भी तो फिर करेक्ट करके बनाना पड़ता है ना, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बना दिया। बाबा बहुत प्रैक्टिकल है, उसको कोई लेना देना नहीं, ये पिक्चर्स हो ना हो, पेपर में चीजें छपे ना, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। बच्चों में समझ हो वो क्या है, बच्चों में समझ हो 84 जन्मों का, प्रैक्टिकली लाइफ को जिए, रूटीन अच्छा रखें, खाना पीना अच्छा खाएं, भाई संस्कार दे रहा है ना बाबा। बाबा कहता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है, बाबा कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्यों लेना पड़ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, भक्ति वालों को समझ आ सके, ये ना कहें कि भाई इन्होंने तो नास्तिक बनाने के लिए एकदम ठान रखा है ना। बाबा का नॉलेज का एक एक चीज बहुत प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन हर तरीके की आत्मा को नॉलेज देना है ना, जो भक्ति में बिल्कुल एनग्रोस्ड है उसको भी ये चीज समझ आए, बिल्कुल समाई हुई है भक्ति में, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का। बाकी ये क्या है कि अच्छे संकल्प किए तो ब्रह्मा है ना, उनका पालना करो, कैसे करो बच्चे, न्यारे प्यारे रहो कमल की तरह, सुदर्शन चक्र चलाओ, सीधा साफ क्या मतलब, अपने आप को देखो, फालतू इधर उधर नहीं देखना, शक्ति तुम्हारे अंदर ही है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं, आराम से रहो, शक्तिशाली रहो, है ना। ये बातें बाबा क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली बता रहा है। फिर अंत में कहता है मैं आया हूं, इस चीज की शंखनाद करो, सबको बताओ ना, इन्फॉर्मेशन दो सबको, और फिर उस तपस्वी मूर्त यानी ये जो तुम्हारी तपस्या का जीवन चल रहा होगा शंकर स्वरूपा, तो इससे तुम्हारे सारे जितने पुराने विकर्म है वो खत्म हो जाएंगे, आदतें बदल जाएंगी, और ये पूरा कंबाइंड रूप, इसीलिए त्रिमूर्ति दिखा दिया, ऊपर शिव बैठा है, तीनों एक ही आत्मा की क्वालिटी हुई ना, जो एक ही टाइम पर काम करती है। तो बाबा कहते हैं कि समझाया जाता है, बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बना दिए, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाना पड़ता है, नहीं तो क्या कहेंगे कि तुम नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बना दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये सारी बातें एक्चुअली ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े, ये साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते रहते हैं, भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स मत बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, वो रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है, लड़ाई भी जरूर लगनी है, विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। तो बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। ये आ गई बात इम्प्लीमेंटेशन की, पहली बात क्या आई, गफलत नहीं करना, दूसरी बात आई कल्याणकारी बनो सबका, चित्र आदि की दरकार नहीं है, सबके लिए कल्याण करो। तो बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं कि मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, है ना, किसी की चोर लूट के चला जाएगा। तो धनी यानी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, धनी के नाम तुम खर्चते हो तो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न मिलता है, ये दुनिया तो खत्म होनी है इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करते जाओ। धनी तो शिव बाबा है ना, तो भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे ना, और अभी तो डायरेक्ट है, तो धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा।
21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा सकते हो, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे, भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, तो अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा, है ना। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में वो खर्च करते रहते हैं, भाई से क्या होगा, सही जगह पैसे खर्च करने की अकल मिलेगी। पैसा क्या है, इकोनॉमी है, एक हमारे पास क्या कह लीजिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास इनकम है, एक कह लीजिए रिसोर्स है ना, एक रॉ मटेरियल है जिसको हम कहीं लगा करके उसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं। उसी चीज का तरीका सार में समझाते हैं बाबा। बाबा का पाठ ही कुछ ऐसा है ना, अपना घर बार भी तुम्हें संभालना, एकदम जोर से बस नशा चढ़ गया, बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे, तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो। जानते हो इसने कैसे सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला तो बे को मिली बादशाही, राजाई थी कम नहीं था, अच्छा बाबा कहते हैं फर्टाइल धंधा था, मतलब यहां पर पैसा लगाओ धन लगाओ बाबा के यज्ञ में तो उपज अच्छी होगी ही। जैसे अगर कोई लैंड फर्टाइल है, उपजाऊ जमीन है, वैसे बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ धन लगाओ तो एकदम फर्टाइल बिजनेस है, तो अब तुमको ये राजाई मिल रही है, तो बहुतों का कल्याण करो ना। ये आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक्कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए, गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देना पड़ता है ना। आगे तो देखो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाता है, कोई का डाकू ही ले जाता है, डाके भी तो देखो कितने पड़ते हैं, फेमन भी होगा ना, बाढ़ में भी भय चलेंगे नोट। तो ये भी रावण के राज्य में नूंद है, राम राज्य सत्य को कहा जाएगा। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर तुम कंगाल कैसे बने, तो अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिलती है तो खुशी होनी चाहिए, ज्ञान से ऊंचे बने तो अज्ञानता से नीचे आए, देही अभिमानी से राजाई पाई, देह अभिमान से दास बने, है ना। तो दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तो तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे। मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का सार यही था मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों का भी दरकार नहीं है, तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न था कि पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा, तो बस इतना ही रहेगा कि हम वापस घर जाते हैं, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। तो अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की कोई दरकार नहीं है। और जो धारणा करना है इसको तो बिल्कुल छाप लेना है, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंस की बात है कि अपना टाइम सफल करो, माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बनकर बहुतों को रास्ता बताने में अपना बिजी रहो। बिजी रहना है ना, तो अब हर किसी के पास तो प्रोफेशन नहीं है ना, हर किसी के पास कोई जॉब हो ये जरूरी नहीं है, तो सेवा का पार्ट ड्रामा में नूंद है ना। जिनके पास प्रोफेशन है कुछ करने के लिए है तो वो भी करते रहे, साथ साथ परिचय भी देते रहे। अब जो माताएं थी, माताएं कोई जॉब थोड़ी करती थी, तो उनको भी किसी श्रेष्ठ कर्म में लगाना जरूरी था, ड्रामा में सेवा का पार्ट नूंद होना बहुत आवश्यक था, तो उनको वो बिजनेस दिया, उनको श्रेष्ठ लगे कि हाँ हम रास्ता बताएं लोगों को। तो रास्ता क्या घर गृहस्थी में रहते प्रोफेशन में रहते नहीं बताया जा सकता है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करो, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलना है, और वरदान है बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम मतलब एक रूटीन, फिक्स रूटीन रहे लाइफ में। बड़े बड़े लोग होते हैं उनका टाइम फिक्स है कि इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे ये करेंगे, उतने बजे वो करेंगे, वही हुआ कड़ा नियम। और दृढ़ संकल्प कि उस नियम को फॉलो करना ही करना है, है ना। तो ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।
पहले स्व के ऊपर मेहनत करो और फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। तो अभी सिर्फ ठकर लगेंगे लेंगे, बाबा कहते हैं, तो हो जाएगा काम। फिर तो इस आराम के संकल्पों को, बाबा कहते हैं, डलपन को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति।